आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ के विभूति खंड में सेवी ग्रैंड होटल में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी मिली है कि होटल के बेसमेंट में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लग गई है सेवी ग्रैंड होटल में और साथ ही साथ कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। और जितना धुआं देख रहे हैं आप, इसकी वजह से राहत बचाव कार्य में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में बड़े ही रफ्तार से बाबा का बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कन्नौज में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मार्केट को ध्वस्त करा दिया गया। बता दें कि सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव ने मार्केट को बनवाया था। वहीं संभल में भी बड़े ही रफ्तार के साथ बुलडोजर चल रहा है। कहा जा रहा है कि यहां पर भी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बना ली गई। कई बार शिकायत के बावजूद अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब भू माफियाओं के अवैध निर्माण पर टीम बुलडोजर चला रही है। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। मौके पर खाना बना रही महिला ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद महिला ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के मंत्रियों को निर्देश दिया था कि अपने 100 दिन के काम का खाका तैयार करके उस पर कार्य किया जाए। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछले कार्यकाल में हुए कार्यों का जिक्र भी किया। प्रदान किए जाना का कार्य भी प्रगति के है, उसके संबंध में जल्दी आपके समक्ष हम आएंगे। राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मानव संसाधन की आपूर्ति एवं प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा 21-22 से 5 वर्षों में 18.49 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार की इसी याद भी 2021-22 के अंतर्गत 129 जनपदीय चिकित्सालयों में एवं 350 तहसील स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में HMIS सॉल्यूशन इस आच्छादित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ स्थित सिंचाई और जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल शक्ति मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फाइलों के रखरखाव और मुख्यालय के भवन और फाइलों की साफ सफाई के संबंध में कड़े निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि फाइलों का तत्काल निस्तारण कराया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने फाइलों को जानबूझकर रोके रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किए जाने का भी निर्देश दिया। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में MOA हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से CSR फंडिंग के तहत 3.5 करोड़ की एक कैंसर स्क्रीनिंग वैन दी गई। साथ ही साथ पुनर्निर्मित ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी वार्ड का लोकार्पण हुआ। वहीं मरीजों का इलाज आसानी से होने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे मरीजों से संबंधित सारी जानकारी ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। वैन का आज यहां लोकार्पण किया गया है, लोग साइन हुआ है। मुझे लगता है इससे जो दूर दराज के गाँव में, शहरों में कैंसर हो
पता नहीं चल पाता है, किसको डिटेक्ट करने के लिए मशीन काम करेगी और लगातार इस प्रकार की रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और संस्थान के डॉक्टर से हमने कहा कि सभी मरीजों को इसको लाभ मिले, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएँ और कहीं कोई इसमें कोताही न बन। थैंक यू, शुक्रिया। खबर फरीदाबाद से है जहां सीएम फ्लाइंग और बिजली विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने फैक्ट्री में बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल फैक्ट्री संचालक पर बिजली चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। एसडीओ के मुताबिक कंपनी में 11 किलोवाट का लोड है। फिलहाल ये पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। ये पहले से इंफॉर्मेशन थी, हमने आज सीएम फ्लाइंग के साथ यहाँ पे छापेमारी, ये इनकी फर्म थी जो डायरेक्ट सप्लाई चल रही थी मीटर के थ्रू, बाईपास मीटर था, हमने छापेमारी यहाँ पे 11 किलोवाट लोड मिला है जिसकी हमने पूरी कार्रवाई की है एज निगम के अनुसार। हमने तो अभी पूरा लोड इनका काउंट किया है, ऑफिस में जाके इनका पूरा असेसमेंट होगा, उसके हिसाब से इनकी जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी पैसे वगैरह कितना फाइन वगैरह लगेगा? ये बिजली बोर्ड के दफ्तर वाले बताते हैं, जहाँ जो इस एरिए का डिवीज़न है शायद N94 है, उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा पूरा चलान। सूचना प्राप्त हुई थी कि इस वर्कशॉप में बिजली चोरी की जा रही है, तो जहाँ हम संबंधित SDO JE के साथ आए हैं, या इन्होंने जो मीटर में जो केबल आ रही है उससे पहले ही एक कट लगा कर और डायरेक्ट वर्कशॉप में बिजली के तार ले जाके और सप्लाई मतलब बिजली चोरी की जा रही थी इनके द्वारा। ये बड़खल पाली रोड है, पुलिस सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी के साथ लगती हुई है। कितना लोड था सर? यहाँ करीब 10 किलोवाट का लोड मिला है, उन्होंने बिजली विभाग ने LLM फॉर्म भर दिया है और उसपे। गाजियाबाद के रहने वाले एक छात्र की कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी में बीते दिनों मौत हो गई थी। वहीं साहिबाबाद इलाके का रहने वाला कार्तिक वासुदेव कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था, साथ ही वो एक रेस्टोरेंट में नौकरी भी कर रहा था, जहां एक के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके परिवार ने बताया कि उन्हें आशंका है कि लूटपाट के चलते उस पर गोली चलाई गई है। उसकी कारण क्या था, सबसे बड़ी बात क्यों मारा उसने, पुलिस अभी तक 2 दिन में गिरफ्तारी के बाद ये भी नहीं पता कर पाई कि कारण क्या था। उस व्यक्ति ने अगले दिन शनिवार को एक बंदे को और वहाँ पर इनोसेंट आदमी को और मारा, वहाँ पे बंदूक लेके वो घूम रहा है सड़कों पे और ऐसे ही इनोसेंट लोगों को मार रहा है। क्या कारण है उस चीज़ का, वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक टेररिस्ट अटैक है। उसके घर से पुलिस ने बताया कि कई बंदूकें, रिवॉल्वर्स, ऑटोमेटिक मशीन गन्स और बुलेट्स मिले हैं। तो एक आम इंसान के घर में कभी भी ये नहीं मिलता कि वो इतनी गन्स और इतना एम्यूनेशन लेके बैठा हुआ है और सड़कों पे निकल के लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार रहा है। तो ये हीनियस क्राइम है, हेट क्राइम है। खबर मेरठ से है जहां MIET कॉलेज कैंपस में छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद साथ ही छात्रों ने मामले को लेकर कॉलेज कैंपस में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ छात्र हिरासत में लिए और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें ये पूरा मामला मेरठ के MIET कॉलेज का है। पता नहीं, मैं तो आज अपनी क्लास में था तो मेरे पास कॉल आया कि निखिल का किसी ने चक्कू वक्कू मार दिया, तो मैं सीधा मस्त क्लास छोड़ कर मैं सीधा यहाँ हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में आकर पता लगा कि उसका तो वो ख़त्म, मैंने सुना था ऐसे। चार कौन सा ईयर था इसका? कौन सा ईयर था इसका? सेकंड ईयर। नहीं, निखिल कौन सी जगह था घटना का? वो एडमिन ब्लॉक के बिल्कुल जस्ट सामने, कॉलेज के अंदर। हाँ जी, कॉलेज के अंदर। कितने बजे का मामला है? अभी ये 12 बजे का, 12 बजे से पहले का ही, 11:30 का होगा। तो उसकी किसी से कहा सुनी हुई किसी बात को लेकर कॉलेज में कोई? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं हुआ था सर। पता लगा वो कौन लोग थे जिन्होंने मारा, कितने लोग थे, कोई बात हो रही हो? फर्स्ट ईयर के थे, कोई फर्स्ट ईयर के थे। उनके नाम पता नहीं, मेरठ के ही थे, कोई 4-5 थे। उनमें से 4 तो बता रहे, वो गेट वाले बता रहे कि 4 तो पलक पकड़ लिए और एक भग गया बता रहे। बाहर गए थे सारे कॉलेज के थे? सारे कॉलेज के थे जी। निखिल कैसा था पढ़ाई में? निखिल A1 था जी पढ़ाई में। अच्छा जी। कितने साल से था इस कॉलेज में? इस कॉलेज सेकंड ईयर में, तो दूसरे 2 साल से, दूसरे साल चल रही थी हॉस्टल में।
इंटरमीडिएट के अंग्रेजी पेपर लीक के मामले में बलिया जनपद के पत्रकारों को प्रशासन ने जांच के नाम पर गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था, जिसके विरोध में बस्ती जनपद के पत्रकारों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बस्ती जिला अधिकारी का घेराव किया और बलिया डीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही बस्ती डीएम को ज्ञापन सौंपा कि आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष पत्रकारों को सम्मान सहित रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन बलिया में खुलेआम नकल हो रहा था, पेपर के पहले ही पर्चा आउट हो गया और उसको उस प्रकरण का खुलासा करने वाले जो अखबारों ने जिन अखबार के पत्रकारों ने खबर छापी वहाँ पर वहाँ के जो अधिकारी थे अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा वहाँ के पत्रकारों को जिन पत्रकारों ने इस मामले का खुलासा किया था उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। तो ये तो लोकतंत्र पर बहुत ही कड़ा प्रहार है, अभ्यर्थ की स्वतंत्रता पर प्रहार है और इसका पूरा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन कड़े शब्दों में विरोध करता है। आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश इकाई के निर्देश पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के क्रम में यहां बस्ती में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है और हम लोगों की मांग है कि जो भी पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं वो निर्दोष हैं, उनको छोड़ा जाए और वहाँ के डीएम और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर एटा जिले से है जहां पर पूरे भारतवर्ष में पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और राजीव मिश्रा सहित तमाम पत्रकार बंधु कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी से मुलाकात न हो पाने के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मैं हमारे यहाँ बलिया जनपद पड़ता है, वहाँ पर चार पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नकल की कवरेज कर रहे थे, वो निष्पक्षता से कार्य कर रहे थे, सब प्रशासन को सबको जानकारी थी, उसके बाद भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी और गिरफ्तार कर लिए गए। उनके विरोध में आज हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ज्ञापन दे रही है, हर जनपद में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले पत्रकारों के साथ पूरे देश में जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से बलिया में नकल माफियाओं को उजागर किया पत्रकारों ने, उनके खिलाफ ही मुकदमा लेके उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी तरीके से एक प्रकरण मध्य प्रदेश का है जहां विधायक के खिलाफ खबर चलाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस तरीके से अगर लगातार उत्पीड़न होता रहेगा हमारे पत्रकार साथियों का तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रत्येक जनपद में ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन को। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं और प्रशासन इस तरीके से लगातार कार्रवाई करता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने के लिए बाध्य होंगे। खबर गाजियाबाद से है जहां पर सबसे बड़ा हथियार सप्लायर गिरफ्तार हो गया है। हथियार सप्लायर जरीहुद्दीन को आईजी एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जरीहुद्दीन दुबई भागने की फिराक में था, जिसको लेकर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। इसका जो कॉन्टैक्ट है अभी तो मुंगेर से है, मुंगेर में जो उसका रॉ मटेरियल का सप्लायर है, और बाकी इसने हमको 4-5 नाम बताए हैं मेरठ के, जो कि किसी न किसी उसमें पिछले कुछ महीनों में जेल जा चुके हैं अधिकतर उसमें से। हाँ, इसको भी हम रिमांड में लेके से और हम पूछताछ करेंगे। हाँ, चिन्हित में है तो अभी तो जैसे वो अभी हम पता करेंगे कि वो अभी जेल से बाहर आ गए हैं या अंदर हैं और अभी उस समय वो क्या काम कर रहे हैं। तभी तो इसलिए तो इतना टाइम लग गया, जो आप कह रहे हो ना टाइम कैसे लगा, इसलिए इतना टाइम लगा उसकी फील्डिंग बिठाने में, उसकी कौन कहाँ वो रहता है एग्जैक्ट पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलने में हमको एक्चुअली 4-5 महीने लग गए। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुशीनगर के नारायणी नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एक नाव में 10 किसान और उनके घर की बच्चियां बैठी थी, जिसमें 7 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई और लापता 3 बच्ची समेत महिलाओं की मौत हो गई। गोताखोरों ने जाल डालकर तीनों के शव नदी से बाहर निकाले हैं। इस हादसे में कुल 10 लोग नदी में डूबे थे। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों से दुर्घटना के पीड़ितों की पूरी मदद करने को कहा है। साथ ही उन्होंने राहत बचाव कार्य तेजी से चलाने और घायलों का उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं।
वो 10 आदमी थे, नाव पे बैठ के गेहूं काटने के लिए जा रहे थे, नाले में डेंगी डूब गए, 3 आदमी बुड़ गए। 3 आदमी की मौत हो गई, मौत हो गई। 7 लोगों को बचाया गया, 7 लोग को बचाया गया। कौन कौन इसमें महिलाएं थी? वो 6 लोग महिलाएं थे, 1 मर्द थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।